कार्यक्रम चल रहा है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। और हालांकि नगर थाना अध्यक्ष लगातार किसी भी धर्म का कार्यक्रम होता है तो सभी लोग को एक साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। और रात का वक्त है, ये भी निकले हुए हैं कि जो बरफात का कल जुलूस निकलेगा उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। और सभी लोगों से इन्होंने आग्रह भी किया कि सभी लोग मिलजुल करके इस त्योहार को भी संपन्न कराए, जिस तरीके से पहले भी आप लोग सभी लोग मिल करके संपन्न कराते रहे। क्या कुछ तैयारी है सर, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि पूरा शहर सजकर दुल्हन की तरह तैयार है और उसके बाद से कल बरफात का जुलूस निकलेगा, आपकी क्या कुछ तैयारी है? मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर कल जुलूस निकलेगा, उसके लिए हर चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। और यहाँ के आम लोगों से, मुस्लिम भाइयों से मेरा शुरू से भी अपील रहा है और इन लोगों का प्रयास भी रहा है, इन लोगों के प्रयास से ही अभी तक जो भी त्यौहार मनाए गए हैं शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं। और यह कौमी एकता का प्रतीक यह धरती रहा है, इस त्यौहार को भी सभी लोग मिलजुल करके शांतिपूर्ण अमन चैन से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हैं। क्या कुछ रूट चैट है कल जो बरफात का जुलूस निकलेगा, कितने बजे से निकलेगा और किसका क्या है? उसका रूट है सुबह 9 बजे से पुरानी किला से होकर के सरायमोहट्टा बाजार होते हुए हरी मस्जिद, उसके बाद गांधी मोहल्ला होते हुए जेपी चौक से दरबार मस्जिद होते हुए होकर के बड़ी मस्जिद होते हुए पुनः 11वीं मस्जिद के बाद एक के पास जो है इसका समाप्त। और सर एक चीज देखने को मिला है कि आप दिल्ली के साथ साथ पैगाम यहाँ से दिया जा रहा था और काफी बारीकी से सुन रहे थे आप। अल्फाज रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का, यह अल्फाज था, यही अल्फाज जो है यहाँ के हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बांध करके सभी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना रहा हूँ। और यहाँ के दोनों संप्रदाय के लोगों को मैं कोटि कोटि का आभार व्यक्त करता हूँ कि दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके एक दूसरे का त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। चलिए कलीम साहब भी मौजूद है, शांति समिति से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ तैयारी है ये बताइए। और देखा जा रहा है कि पूरा शहर सर्वश्रेष्ठ तैयार है। और सर ने जैसे बताया है पुरानी किला बाजार से हम लोग 9 बजे निकलेंगे, जो सर ने हमको बताया पुरानी किला और सरायमोड़ होते हुए दरंगा बाजार होते हुए बड़ी मस्जिद के पीछे से होते हुए काची होते हुए मुहल्ला होते हुए 11 बजे से संपन्न हो जाएगा हम लोग का। और प्रशासन की पूरी तैयारी है और हम लोग भी प्रशासन का पूरा सहयोग देंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जगह जगह पे देखा जा रहा है कि स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है, पानी उसके सारे लोग समाज हमारे हैं, जगह जगह पानी शरबत स्टॉल लगाया गया है, मतलब सीमान में कौमी एकता का प्रतीक देने का प्रयास किया गया है। बहुत भीड़ है पैगम्बर साहब के आज ही के रात जन्मदिन वर्ष का, इसीलिए उनका आंख बाल का और जो पैदल जो शमशान है यहीं पर वहाँ से आया हुआ है, यहीं जियारत करने के लिए आज रात बहुत लोग आएंगे। अब कल मोहम्मद यह जुलूस जो निकलेगा और उन लोग भी यहीं जुलूस खत्म होगा और साथ साथ यहीं पर लोग इसका समापन करेंगे और जियारत भी करेंगे। कितने बजे से जुलूस निकलेगा और फिर कितने बजे तक समापन होगा? 9 बजे से पुरानी किला से निकलेगा सरायमोड़ होते हुए तिलाता बाजार बड़ी मस्जिद के पीछे से होते हुए काची मल्ला जेपी चौक दरबार मस्जिद थाना रोड फिर बड़ी मस्जिद आकर कसरा टोली एगराई मस्जिद में 1 बजे करीब में समापन हो जाएगा। है ना जी, क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासनिक तैयारी है क्या कहना चाहिए? जिला प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी है और नगर परिषद से भी साफ सफाई के लिए चुना ब्लीचिंग का भी कहा गया है। आप गए थे मस्जिद के अंदर प्रवेश किए थे? जी जी, अभी एगराई मस्जिद में हम लोग चादर नए किला मस्जिद से हम लोग चादर लेकर ऐसा के नमाज पढ़ कर आए, चादर का ताजपोशी हुआ है और यहाँ जियारत हो गया है। अब हम लोग अपने अपने बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने की तरफ के सैयद माजफी है नगर इंस्पेक्टर, लगे हुए हैं